महराजगंज विकासखंड क्षेत्र के अलीपुर गांव में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज 8 दिसंबर 2019 दिन रविवार को मातृछाया फाउंडेशन के तत्वाधान में विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सूबे की सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को करना था, लेकिन किन्हीं कारणों बस वह कार्यक्रम में नहीं पहुँच सके। रविवार को अलीपुर गांव में दिनेश सिंह की माताजी की पुण्यतिथि पर मातृछाया फाउंडेशन द्वारा विशाल निशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया है। साथ ही इस कार्यक्रम में गरीबों को कंबल व चश्मा भी निशुल्क वितरित किए गए। आइए देखते हैं, रायबरेली से एसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। जी सर, जी आइए। जी तो मैंने माताजी की पुण्यतिथि पर कुछ सामाजिक कार्यों के माध्यम से छोटा सा प्रयत्न करने के लिए शुरुआत की और धीरे धीरे वो प्रयत्न साकार की ओर जा रहा है। मित्र, हम सब संसार के अंदर मनुष्य की जीवन प्राप्त किए, ये हम सबका सौभाग्य है। हम सब जानते हैं, अगर आप विचार करिए कि ये शरीर मां बाप के कारण मिला, शिक्षा दीक्षा रहन सहन बोलचाल खान पियन जिस समाज में हम पैदा हुए उसकी देन है। अगर हम बंगाल में पैदा होते तो मछली चावल खाते, बंगाली बोलते। अगर हम पंजाब में पैदा होते तो मक्के की रोटी खाते और पंजाबी बोलते। हमें समाज के पुरुषार्थ पर मिला या तो अपने पूर्वजों के पुरुषार्थ पर मिला। अगर हम विचार करें तो भगवान ने हम सबको क्या दिया? भगवान ने हम सबको केवल एक चीज दी है, समय दिया है। समय की है और जब तक वो वैलिडिटी काम करती है तब तक तो हम मोबाइल से सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन वो वैलिडिटी समाप्त हो जाती है तो मोबाइल हमारे लिए डिब्बा जैसा हो जाता है। ऐसे ही जब हम विचार करेंगे तो भगवान ने हमको केवल समय दिया है, और भगवान ने हमको समय इसलिए नहीं दिया है कि केवल मेरा परिवार, मेरे अपने, मेरा पैसा, मेरे बंगला, मेरी गाड़ी, इसी के लिए पूरा जीवन निहित कर दूं। इसके लिए शायद धरती पर भगवान ने आपको भेजा नहीं है। धरती पर भगवान ने भेजा है तो मानव ही है जो सबके पुरुषार्थ के लिए काम कर सकता है, मानव है जो सबके सुख दुख को समझ सकता है। इसीलिए एक कहावत कही गई, मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक वर्ष की कीमत जाननी हो तो उस विद्यार्थी से पूछना जो परीक्षा में फेल हो गया हो। अच्छी है जिसके घर में आग लग गई हो और एक मिनट की कीमत पूछनी हो तो प्लेटफार्म पे खड़े उस यात्री से पूछना जिसके हाथ में टिकट हो और ट्रेन निकल गई हो, और एक सेकेंड की कीमत पूछनी हो तो ओलंपिक में रजत प्राप्त किया। अपने लिए जीते हुए भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं है, आज 4-5 साल हुए, हमारे 10 साल हुए होंगे मेरे गांव को सड़क आए, 20 साल हुए होंगे बिजली आए। बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, मेरे मन में आया कि मैं अगर कभी कुछ करने के लायक हूंगा तो गांव में लोगों को लेके आऊंगा, और गांव में मैंने कोशिश की थी और वो कोशिश सार्थक होती गई। आज इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन सुबह रात में ही उनका फोन आया था, किसी कारण से वो यहाँ आ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने मित्रों वादा किया कि दिनेश जी जब बुलाओगे अगले साल मैं निश्चित आऊंगा और आपके गांव आऊंगा। मित्रों, आप सबसे प्रार्थना है, क्योंकि मंच पर जो मुझे बताते हैं कि कैसे चलना चाहिए उनके सामने बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए, इसलिए उनके सामने बोलूंगा नहीं। लेकिन इतना ही प्रार्थना करता हूं आप सबको कि जो समाज जीवन के लिए जीने का थोड़ी सी प्रेरणा आप सब लेकर के जाइए और
आज मैं इस अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। आप सबसे कहता हूं कि ये कार्यक्रम के लिए हमको आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।